सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड प्रेस कर दीजिए यहाँ पे जो बेल आइकन आ रहा है इसे जा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास अपडेट आ जाए। हेलो गाइज, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन में कोई ऐप लॉक या फिर कुछ आपने कुछ एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपने किसी ऐप्स एंड गैलरी वगैरह पे लॉक लगा दिया तो आप उसे कैसे बाईपास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने गैलरी पे अभी लॉक लगाया हुआ है, ऐसे ही मैंने वीडियोज़ पे भी ऐप लॉक से यहाँ पे पैटर्न डाला हुआ है। एंड जैसे कि मैं आपको और दिखा दूँ, मैंने अपने फाइल मैनेजर पे भी ये पैटर्न डाला हुआ है एंड यहाँ पे फ़ोटोज़ में भी। सो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इसको बाईपास करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे गूगल क्रोम में जाना होगा। एंड गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको टाइप करना है फाइल एंड सेमीकॉलन, उसके बाद 3 slashes लगाने हैं एंड उसके बाद लिखना है SD कार्ड। ये एक ओनली लिंक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके फ़ोन में इसमें इसके लिए SD कार्ड हो या फिर ना हो, ये काम करेगा। जैसे आप इसे खोलेंगे आपके पास ये आ जाएगा एंड इसके बाद आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे फ़ोन्स में जितनी भी फाइल्स होंगी, हिडन हो या फिर अनहिडन हो, वो सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। तो इसके बाद जो भी आप फोल्डर खोलना चाहें आप वो खोल सकते हैं। आपकी जो इमेजेस हैं वो सारी आपको DCIM फोल्डर में मिलेंगी एंड आप जाके देख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक फ़ोटो यहाँ पे लोड करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने आपके फ़ोन की पूरी डायरेक्टरी खुल गई है एंड आप यहाँ से किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में ऐप लॉक है एंड आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आपका कोई और अदर रीज़न है, आप देख सकते हैं आप यहाँ से जूम कर सकते हैं या फिर अगर आपको कोई गाना भी सुनना है तो भी आप यहाँ पे फाइल डायरेक्टरी में जाके आप वहाँ से सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। आपके पास यहाँ पे फाइल मैनेजर जैसे ये काम करता है, जैसे कि कई फ़ोन्स होते हैं जैसे कि मोटोरोला के फ़ोन्स होते हैं उनमें फाइल मैनेजर इंस्टॉल्ड आता ही नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको प्ले स्टोर पर जाएँ एंड आप एक नया फाइल मैनेजर डाउनलोड करें, आप उसकी बजाय यहाँ से भी सीधा फाइल डायरेक्टरी खोल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।